जा रहा था, कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है। दुनिया में एक भी आदमी अभी जब आप देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा जिसकी आलोचना न हुई हो, जिसके बारे में समाज ने कुछ उल्टा पुल्टा न कहा हो। लेकिन अगर आप सत्य हो और सही रास्ते पे चल रहे हो तो वही दुनिया कल आपको महापुरुष कहती है। अब महापुरुष हैं ये, उनका पिछला जब जानोगे, जिस स्वामी विवेकानंद को यहाँ के तथाकथित उस समय के समाज के धर्म के लोगों ने कहा विवेकानंद हिंदू है ही नहीं, ये तो फर्जी हिंदू हैं। बिहार में फर्जी शब्द प्रचलित है ना, फर्जी डिग्री, फर्जी नौकरी, फर्जी स्टूडेंट, फर्जी युवा, दिख रहा है युवा लेकिन वो है नहीं युवा। आलोचना करने वाला करता रहा, किसी का लिस्ट है क्या किन किन लोगों ने स्वामी जी की आलोचना की थी? कहीं नाम पता ठिकाना, बाबू का नाम, बाबा का नाम। लेकिन जिसकी आलोचना हुई उसका तस्वीर टंगाए, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। इसलिए आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, आलोचना तो आलोचना है, आलोचक भी अपना स्थान रखता है। अगर आलोचक न हो तो मजा नहीं मिलेगा। हैं? थोड़ा ऊपर साउंड कम कर दीजिए, ऊपर ऊपर। आलोचक अगर बढ़िया आलोचक होना चाहिए, इसलिए आलोचना सुनना चाहिए। जो आलोचना नहीं सुनता है उसको अपना सुधार नहीं होता है। आलोचना कोई खराब बात नहीं है लेकिन आलोचना सही होना चाहिए। और बिहार में तो ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, आलोचना शास्त्र। जन्मजात डिग्री है हम लोगों के पास। गांव में चलिए, बढ़िया बात करिए, कुछ अच्छा वाला, कुछ सकारात्मक, एक आदमी भी आप में सटेगा नहीं। आप खड़ा होकर देख लो, प्रैक्टिकल में कह रहा हूं। आप किसी के दरवाजे पर जाइए और कुछ बढ़िया बात, क्वालिटी वाली बात, कुछ सकारात्मक बात चर्चा करिए, लोग या तो आपको पागल घोषित कर देगा, मेंटल है साला है। कुछ बुरा बात शुरू करिए, क्या कहें, गजब माल बनाया, रोडे बेच दिया, 10 आदमी आएगा, अच्छा रहता कहाँ है? मतलब आप अगर उसका पता बांटने लगो तो हो सकता है पंपलेट छपवा के देना पड़े कि जाओ मिलो, हम भी चाह रहे हैं ट्रिक लेना। बुराई सुनने में लोगों को मजा मिलता है, आनंद आता है, रस है, रस, निंदा रस, ओफ। और हम लोग तो स्वभावतया बिहार में इसी रस के आदि हैं। और जब बढ़िया वाला रस उनको पिलाया जाता है तो खुजली होने लगता है, कहां फंसा दिया रे, क्यों इस रस का स्वाद कभी उसने चखा ही नहीं। निंदा रस, निंदा में भी बड़ा रस मिलता है। किसी का शिकायत करिए चचा का, लगेगा क्या सब सुना दें इसको, और बोलते चले जाइएगा, 2-3 घंटा बीत जाएगा, आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कुछ अच्छे चीज पर कहा जाए, भैया अच्छा क्या बोले, एक बार गांव गए थे, हल्का फुल्का 2-4 लाइन बोलेगा, बेचारा भाग जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में कभी उसने अच्छा का संपर्क नहीं किया। और हमारा स्वभाव भी कुछ इसी तरह से, बगीचा में कभी गए हैं, फुलवारी में, बिहार में तो बहुत वाटिका सब है वो कौन वाटिका है, अरे सचिवालय के पास, अरे घूमे होइएगा, नाम नहीं पता है आप लोगों को, इको पार्क। इको पार्क में जाइए घूमने, बढ़िया बढ़िया फूल लगा है, झरना लगा है, बहुत खूबसूरत बनाया गया। लेकिन आप देखना क्या चाहते हो? हम जो देखना चाहते हैं वो मिले तो,
इतना खर्चा करके टेम्पू पकड़ के आए हैं, क्या देखना चाहते? वही बढ़िया वाला। आप वो नहीं देखना चाहते क्योंकि आपको देखने नहीं आता। बगीचा में खूब बढ़िया फूल है, बिहार में फुलवारी है, आप गए वहां, किसी ने युवा मंडल, मान लो ये फुलवारी है, आपको किसी ने ठग के बुला लिया, चलो चलो युवा मंडल, आप भी सोचे चल देखा ही का बोला है, आ गए। अब आपके लायक मटेरियल खोज रहे हो है कि नहीं कुछ रे, आप फुलवारी में गए हैं, मक्खी भी है उसमें, मान लो आप मक्खी हो, लेकिन आपके लायक वहां मटेरियल नहीं है, मक्खी के लायक मटेरियल कहां है? आजकल तो आंदोलन चल रहा है शौचालय वाला, खोज रहा है जमीन पर कुछ है कि नहीं है, उसी में जाएगा क्योंकि उसको उसी में मजा मिलता है। उसको आप फूल दिखाओ, मेरा मटेरियल उसमें है, चक चक के मजा लेते हैं, यह है निंदा शास्त्र। चलो होने दीजिए, जो होता है होने दीजिए। अब समस्या यह है, अभी का जो समय है वो समय बड़ा विकराल है भाई, बड़ा विकराल समय। समय ऐसा है कि समझ में नहीं आता कि समय को क्या कहा जाए, ये कलयुग कहा जाए, सतयुग कहा जाए, या भ्रष्ट युग कहा जाए, या कौन युग कहा जाए इसको। आप कहोगे नहीं वहां कांड हुआ है, आपके भीतर कांड हो रहा है रोज सुबह से शाम तक वीडियो के रूप में, उसका प्रतिक्रिया होता है बाहर, क्रिया आपने देखा वीडियो, प्रतिक्रिया कहां हुआ? बाहर हुआ, क्रिया का प्रतिक्रिया, साइंस क्या कहता है, क्रिया और प्रतिक्रिया। इस धरती पर मनुष्य है कि नहीं, खासकर बिहार में कभी कभी शंका पैदा होता है, कितनी घटना घट रही है छोटी छोटी बच्चियों के साथ, स्थिति कितना खराब है, माइंड ही पॉल्यूटेड हो गया है, और इस पॉल्यूशन का समाधान कहाँ है, कहीं से खोजोगे भाई? यही भगवान का देखिए अभी योजना है। सेवा कई तरह का होता है, कुछ लोग खाना खिला के सेवा करते हैं, कोई भूखा है क्या कर दिया आपने, हैं? खाना खिला दिया। कोई मरीज का सेवा करता है, कोई गरीब का सेवा करता है। अभी के समय का सबसे बड़ा सेवा क्या है, हैं? बोलिए, अभी के समय का सबसे बड़ा सेवा क्या है? पतन निवारण सेवा। कौन सेवा? पतन निवारण सेवा। हम पतित हो गए, पतित किसको कहते हैं? गिरा हुआ का गिरा हुआ, सरा हुआ, जिसको इधर से उठाइए इधर चू जाएगा, इधर से उठाइए इधर चू जाएगा। अब इस पतित लोगों का उद्धार करना है, पतन को रोकना है, कैसे? अच्छे विचार पहुंचा के, अच्छे विचार से जोड़ के। आंदोलन ऊपर वालों का है, उन्होंने कहा है सीधे बदल लो, टेढ़े बदलना होगा मजबूरी में, बड़े बड़े लोग बदल रहे हैं, आपको भी बदलना होगा, सीधे बदलिए, प्रकृति का नियम है। देखिए 2026 तक का जो समय है, डायरी में नोट कर लीजिएगा, इंसान के लिए सुनामी है, सुनामी। या तो इंसान बदलेगा या रेलवे ट्रैक और पंखा कम पर जाएगा, इतना फ्रस्ट्रेट है इंसान, इतना टेंस में। पतन निवारण सेवा, उनको अच्छे विचार से जोड़ना, ये भगवान की योजना है, ये परिवर्तन होने वाला, ये मैं नहीं कह रहा, मेरी बात होती तो आप न माने, दुनिया के बड़े बड़े भविष्यवाणीकर्ताओं ने भविष्यवाणी कर दी है, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, लेकिन उसके पहले का सीन बहुत भयानक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, असमंजस की स्थिति है। राम रावण का जो युद्ध हो रहा था तो शक्तिशाली कौन दिख रहा था, रावण दिख रहा था, लक्ष्मण जी झोला पुस्तकालय चला रहे थे रूम रूम में,
गुरुदेव का विचार पहुंचा रहे थे, लक्ष्मण को क्या मारा गया, कौन बाण? शक्ति बाण। लक्ष्मण जी मूर्छा हो गए, वह वीडियो देखने लगे। इन दिनों आप अच्छे राह पे निकल गए, पांच गो गली का घूमने वाला उसको क्या कहते हैं, कुकुर, वाह वाह कर रहा है। अच्छे राह पे चलना ये भगवान की योजना है, हम नहीं कह रहे, हमारी बात मत मानना। महर्षि अरविंद नाम सुने हैं? कितने लोगों ने सुना है, कितने लोगों ने नहीं सुना है? ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत है। खपरा फूटल हो चू रहल हो है घरे, जाना बाबू लाठी लेके भैंसी चढ़ाब हतु, यहां छिला छिला के एकदम मचकैले हो पटना में। आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग, हम भी जानते हैं बिहार का स्टेटस। ठगिएगा उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में जाके, तेरे को मेरे को। एगो गया दिल्ली, कुछ दिन के बाद आया, जींस उन्स पहन ले, पूरा ऐसे लप लप कर रहा था, तेरे को मेरे को। हम कह रहे तू साल भर दिल्ली में रहा रही, ससुर हम 27 साल से पटना में है रे, अब मेरे को तेरे को नहीं सीखे। हवाई जहाज से दिल्ली क्लास लेने हम भी जाते हैं रे, तेरे को मेरे को उसको के सिखे लो तो रही कि झूठे बोल अपन भाषा में बुरे बात का। तब उस अठियाया कि ओ ये लगता है बिरादरी का बात है, चोर चुहार सब कहा के लफुआ। आ इतना को मोबाइल दिखाता, आप लोग अच्छे लोग। महर्षि अरविंद आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, नाम सुने हैं इंडियन सिविल सर्विस का? फॉर्म भरते होइएगा, छ छ फीट के फॉर्म हैं। इंडियन सिविल सर्विस रिजाइन करने वाला कोई सामान्य ब्रेन का व्यक्ति नहीं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कौन यूनिवर्सिटी, छोट मोट नाम लेंगे तो आपके दिमाग में जेबे नहीं करेगा। अब तो अपने यहां सुपर 30 के स्टूडेंट हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने में इतना जीनियस, जिसको 27 बार गोल्ड मेडल मिला कैम्ब्रिज में, 27 बार। आप कौन यूनिवर्सिटी के हैं? बाजार समिति यूनिवर्सिटी। रहमान जी यूनिवर्सिटी, मार्गदर्शन यूनिवर्सिटी, झोला छाप यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो आपका भी है, नाम बता दे रहे, इसी में ऐंठ रहे हैं, ऐंठता है रे बाप, बाप रे बाप, लगता है आंधी तूफान मचा देगा। हाय कुछ नहीं, खाली डिब्बा खाली बोतल, तोरी जींस के चुतरा मारो, झोला छाप जींस दिखाता है। हम तो जींस वाला सबको देखते हैं तो हम बड़ा गौर से देखते हैं, लेकिन देखो तो एक चाल, ससुर दो पैसा क्या औकात न होते, एक ऐंठता कितना है। बाबू के नाम पर झुलफी कटा के घूम रहा है, कटोरा छाप बाल, चलिए बढ़िया है घूमिए। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस रिजाइन करने वाला पांडिचेरी के आश्रम में जाके तप किया, तप के बाद इतनी शक्ति मिली, आंतरिक शक्ति। देश गुलाम था, देश गुलाम था, और उन्होंने कहा देश को आजादी मिल जाएगी। गांधी ने कहा कैसे, कहा मैं देख रहा हूं, टाइम तक बता दिया कि ये आजादी मिल जाएगी, अंग्रेज चला जाएगा, लेकिन भारत को वास्तविक आजादी अभी नहीं मिलेगी, ऐसा भी कहा उन्होंने। देश आजाद हुआ और उन्होंने कहा 2026, जो मैं कह रहा हूं अरविंद ने भी लिखा है, गुरुदेव ने भी लिखा है, 2026 तक भारत दुनिया का महाशक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, पावरफुल कंट्री। लेकिन उसके पहले भारत को वो सारे कष्ट भोगने होंगे
जो माँ बच्चे को जन्म देने की स्थिति में होती है, जब बच्चा जन्म ले रहा होता है, कष्ट में, कराह में, बेचैनी में माँ होती है ना, दर्द में, पीड़ा में, शब्द लिखा है उन्हीं के शब्द को मैं दोहरा रहा हूं, खून और खच्चर निकलता है, लगता है कि माँ और जच्चे और परिवार वाले दोनों डरे सहमे रहते हैं कि सही सलामत कहीं कोई घटना न घट जाए, ऐसा डर बना रहता है कि नहीं। उन्होंने कहा कि भारत को वही कष्ट भोगना होगा पहले, ये भारत जो अभी भोग रहा है ये वही कष्ट है, नवीन भारत के जन्म के पहले का कष्ट, और ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा। 2026 तक कुछ भी घटना घटे आश्चर्य मत करना, कुछ भी हो सकता है, इंसान की बुद्धि दिमाग सब चकराने लगेगा। लेकिन उन्होंने लिखा है नए भारत का जन्म होगा और भारत फिर से दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। ये वही समय है जिस समय में हम और आप बैठे हो, ये सामान्य समय नहीं है। इन घटनाओं को आप सामान्य घटना मत मानिए, ऐसी बहुत सारी इन दिनों इंसान के जीवन में त्रासदी ही त्रासदी है। जिसको कोई त्रासदी नहीं है, इनको बुलेट है, गाड़ी है, घर है, मकान है, तो उनको गर्लफ्रेंड नहीं है, वो रेलवे ट्रैक पर सुत रहे हैं। जिनको गर्लफ्रेंड है वो अलग टेंशन में है, भैया पट नहीं रहा है, रोज मार होता है, आदमी न जाने कहां उलझा हुआ है। क्यों उलझा? मकड़ा बड़ा प्यार से जाल बुनता है, बहुत जाल बुनता है प्यार से, और एक दिन उसी जाल में बेचारा लटक के, जाल बुना किसने था? आप जो जाल बुन रहे हो अपने जीवन में, उस जाल में आप स्वयं उलटोगे। ये वही समय है, परिवर्तन परिवर्तन। कौन बचेगा जो साक्षी भाव से इन चीजों को देख रहा है? गुरुदेव ने कहा बेटे परिवर्तन होने वाला है, भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, हर क्षेत्र में करेगा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धन्ना सेठ पकड़े जाएंगे, बाहर भागेंगे। सहारा का नाम सुना है आपने? आपने नहीं देखा? मैं तो सहारा सिटी घूमने गया, कहां कहां है जानते हैं? लोनावाला पूना में। मैं अंदर जब गया सहारा सिटी में, तो धरती पर जैसे स्वर्ग बसाया जाता है, स्वर्ग की कल्पना करिए कि स्वर्ग कैसा होता होगा, ये मैंने सहारा सिटी देखा। कई बड़े बड़े तालाब, वह पहाड़ पर अमिताभ बच्चन का मकान, सचिन तेंदुलकर का मकान सहारा सिटी में। उस सहारा सिटी के सुब्रतो राव, जिनको दुनिया में कोई देश नहीं है जहां उनका संपत्ति नहीं है, कहां है आजकल? दूसरा आइए, हीरा जवाहरात का व्यापारी, सोना चांदी का व्यापारी, मोती लेगा मोती, कहां है आजकल? चल गई थी भारत से, भाग गई थी, भागेगा। तीसरा आइए, एयरलाइंस, कौन माल्या? विजय माल्या, किंग फिशर, फिशर फिशर, कहां है आजकल? वो गलती। अभी और लोग जाने वाले हैं, नोट कर लेना, इन लोगों का भी समाप्ति तय है, योजना ऊपर वाले का है। साधारण बुद्धि के जो लोग होंगे हमारे आपके तरह, इसको एज इट इज लेंगे, ऐसे ही हो रहा है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, जातिवाद समाप्त होगा। क्या बात करते हैं, खेले खत्म कर दे भूखा जी, दुकानें बंद। आजकल जाति के नाम पर बढ़िया दुकान चल रहा है, चलाक लोग, आप ही के जाति का चलाक व्यक्ति, ये कौन समाज? ये साहू समाज, ये कौन समाज?
ये राजपुताना, ये कौन समाज ब्रह्मर्षि, ये कौन समाज? उस समाज में दो तीने लोग नेता बनता है, सब माल वाला बन जाता है, और जनता बेचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। तू 42 साल में अरबों रुपया का मालिक हो गया, तोहर बेटो मालिक हो गया, तोहर पोता मालिक हो गया रे अभागा। हमर बाबुओ झंडा टांगले हल्थी जिंदाबाद जिंदाबाद, हमर बेटो टांगले, हमर पोतबो अब टांग ले जिंदाबाद। तीन पीढ़ी हम वहीं के वहीं रह गए, वोट तोड़े देते थे जात के नाम पर। तेरा क्या होगा कालिया, ये जनता पूछेगी। ये भी अब लोग समझदार, चूंकि ये जो आ गया नेट, नेट का हानि भी है और नेट का लाभ भी है, लोग अब बहुत तेज होते जा रहा है, बहुत तेज। वो बिहार में आंख मिल मिलाता है, वो खाली छिटकी नहीं लगा, वो छिटकी नहीं खोलो उतने मत बुझाओ। ये परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को समझिए। ये परिवर्तन में जो भागीदार होंगे, गुरुदेव ने कहा वो भगवान की योजना है, भगवान का। बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बदलेगा। महाकाल के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। पैसे के बदले सदाचार, जब घर घर पूजा जाएगा वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा। पैसे के बदले सदाचार, पैसे वाले आने वाले दिनों में क्या करिएगा, कितना खाइएगा? बेचैनी पैसा से कम हो रहा है? कहां कम हो रहा है? इंसान को इंसान बनाना होगा, उन्हें समझाना होगा। यह परिवर्तन हो रहा, राम के जमाने में भी हुआ, कृष्ण के जमाने में भी हुआ। राम के जमाने में भी उस समय आतंक मचाए हुए था, कौन? रावण। आतंक मचाए हुए था, लौज के लौज, हॉस्टल के हॉस्टल में वीडियो सप्लाई चल रहा था। देखना ई वाला, देखी इंग्लिश वाह हो रही, भोजपुरिया ले ले ही ओरिजिनल। लौज के लौज में उसका भाई, चाचा, मामू, चचेरा भाई, रूम के रूम में सप्लाई चल रहा था। उसी में रावण का भाई भी था, सहोदरा विभीषण, एक के रूम में रहता था। वो देखा ससुर भाई भर भर रात वीडियो देखा है, हमरो गिराएगा अपनो गिरेगा। वो चल आया युवा मंडल, युवा मंडल में आया, गायत्री मंत्र सीख लिया, रूम में जाके आंख बंद करके ध्यान वान करने लगा। उसका भाई कह रहा है, अरे ये पंडित हो गए रे, ये बाबा हो गया रे, सुबह जगह है आजकल रे, अब बुदबुदा है रे, बुदबुदा है। लेकिन सत्ता किसको मिला, रावण को कि विभीषण को? विभीषण को मिला। घबराओ मत, आजादी की लड़ाई हुई, देश की आजादी, जिन जिन लोगों ने भाग लिया उस समय होशियार थे कि बेवकूफ? सही, कलेजा पर हाथ धर के बोलिएगा, जिस समय देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय जिन लोगों ने भाग लिया वो बेवकूफ थे तथा कथित उस समय के अनुसार कि होशियार? बेवकूफ। एकरो बेटा जाहिर है गांधी के झंडा लेके। इसी बिहार के सपूत, छपरा के, सारण के राजेंद्र बाबू, पढ़ने में जीनियस आप तो हैं कि नहीं भगवान जाने, आप तो छिटकिनी खोलो छिटकिनी लगाओ, पढ़ने में जीनियस, कितना जीनियस। 5 प्रश्न किन्हीं 4 का उत्तर लिखें, 5 का 5 उत्तर लिख के नीचे लिख देते थे, आप किन्हीं 4 को देख लें, ये बिहार है, आप क्या कहते हो? इत आउट ऑफ सिलेबस पूछ दलो रे।